हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में फिफ्थ चैप्टर है और जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, इस चैप्टर में हम सरफेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एडसॉर्प्शन की, और एडसॉर्प्शन के दो टाइप्स हम पढ़ेंगे, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। उसके बाद में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। फिर हम पढ़ेंगे कोलोइडल स्टेट, और कोलोइडल स्टेट किस तरीके से डिफरेंट है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से, इसको हम क्लियर करेंगे। फिर कोलोइडल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन, लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन, मल्टी मॉलिक्यूलर एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। इसके साथ में हम कोलोइड्स की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोएगुलेशन एट्सेट्रा। तो ये टॉपिक्स हैं जो हमें इस सेशन के लिए प्रिपेयर करने हैं। अब जो रेड कलर में टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो इस बार के लिए डिलीट हो चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर से फिर से सिलेबस का पार्ट बन जाएंगे। तो वो टॉपिक्स कौन से हैं देख लेते हैं। इमल्शन, टाइप ऑफ इमल्शन, देन कैटालिसिस, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटालिसिस, देन एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिसिस और एंजाइम कैटालिसिस। यानी कैटालिसिस से रिलेटेड जो टॉपिक्स है और इमल्शन का जो टॉपिक है, ये अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं एडसॉर्प्शन की। तो देखिए, एडसॉर्प्शन क्या होता है। मान लीजिए कोई भी सरफेस आपके पास है, और उस सरफेस के ऊपर कोई भी पार्टिकल्स अगर सरफेस पे ऐड हो जाए, या किसी अट्रैक्शन फोर्स से सरफेस पे अगर चिपक जाए, तो इस टाइप के फिनोमेना को हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन। ओके, सो जब भी आप कभी बाहर जाते हो तो आप देखते हैं जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो आपके कपड़ों के ऊपर, कपड़ों की सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उसको हम एडसॉर्प्शन बोल सकते हैं। यानी कि एड्सॉर्प्शन में दो चीज़ें आपको नोटिस हो रही है, एक तो वो मॉलिक्यूल्स जो आके किसी सरफेस पे चिपक रहा है, और दूसरा वो मटेरियल या वो मॉलिक्यूल जो सरफेस प्रोवाइड करवा रहा है। अब सरफेस कौन प्रोवाइड करवा सकता है, अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें, क्या सॉलिड किसी को सरफेस प्रोवाइड करवा सकता है? जी हाँ। क्या लिक्विड्स किसी को अपनी सरफेस प्रोवाइड करवा सकते हैं? यस। लेकिन गैसेस जो है वो सरफेस प्रोवाइड नहीं करवा सकती है, लेकिन गैसेस जो है वो किसी और की सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट हो सकती है। तो अगर ये जो एक्यूमुलेट होने वाले मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैसेस भी हो सकते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या बनेगी, द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। अब हमने देखा एड्सॉर्प्शन में दो टाइप के मॉलिक्यूल्स थे, एक तो वो जो सरफेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, और एक वो जो सरफेस पे आके चिपक रहे हैं या एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट होते हैं उनको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेट, और जो सरफेस प्रोवाइड करवा रहे हैं उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। ओके, सो ये दोनों ही टर्म्स को आपको ध्यान रखना है कि एड्सॉर्बेट क्या है और एड्सॉर्बेंट क्या है। तो देखिए, द मॉलिक्यूल्स विच एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट, एंड द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। ओके, सो ये तो बात हुई एड्सॉर्प्शन की। अब देखिए एड्सॉर्प्शन के कुछ एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स एड्सॉर्प्शन के हो सकते हैं? अगर आप किसी क्लोज्ड कंटेनर में, जिसमें कोई गैस आपने ली हुई है, वो गैस क्या हो सकती है, O2 हो सकती है, H2 हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, क्लोरीन गैस हो सकती है, अमोनिया यहाँ पर हम ले सकते हैं, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड हम ले सकते हैं। तो आपने क्या किया कि इन में से किसी भी गैस को आपने एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर लिया, और उस कंटेनर के प्रेशर को आपने मेजर कर लिया,
फिर हम क्या करते हैं, इस कंटेनर में थोड़ा सा अमाउंट हम डालते हैं पाउडर्ड चारकोल का। चारकोल बेसिकली एक बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है, यानी जो सरफेस प्रोवाइड करवा सकता है। तो जैसे ही हमने इसमें थोड़ा सा अमाउंट चारकोल का इंट्रोड्यूस किया, हम ये नोटिस करेंगे कि जो प्रेशर है इस गैस का या इस कंटेनर का, वो डिक्रीज हो जाता है। अब प्रेशर डिक्रीज होने का रीज़न क्या हो सकता है, कि ये जो गैसियस पार्टिकल्स हैं ये चारकोल की सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट हो चुकी है या एड्सॉर्ब हो चुकी है। ओके, सो एक एग्जांपल तो एड्सॉर्प्शन का ये हुआ, गैसेस लाइक O2, H2, CO, Cl2, अमोनिया और SO2 इज टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग पाउडर्ड चारकोल। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ गैस इन द इनक्लोज्ड वेसल डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सर्फेस ऑफ चारकोल। इसके अलावा देखिए, कुछ ऑर्गेनिक डाई होती है, डाई का मीन्स जो कलर जो है पेंट करने के लिए या कलर प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू। जब एनिमल चारकोल हम मिथाइलिन ब्लू में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका जो कलर है वो कलरलेस हो जाता है, मतलब चारकोल ने इस डाई को जो है वो एड्सॉर्ब कर लिया है। इसके अलावा जब शुगर बनती है, जो मिल्स के अंदर शुगर बनती है, तो जो रॉ शुगर होती है उसका कलर ब्राउन होता है या येलोइश होता है, लेकिन हम घरों में जो रोज़ शुगर काम में लेते हैं वो बिल्कुल वाइट कलर की होती है। तो शुगर के प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में उसको एनिमल चारकोल से जो है वो कॉन्टेक्ट में लाते हैं, जिससे जो येलो कलर के डाइंग सब्सटेंस है या जो कलर्ड सब्सटेंस है वो एड्सॉर्ब हो जाते हैं चारकोल के थ्रू। तो ये भी एक एग्जांपल है एड्सॉर्प्शन का। इसके अलावा देखिए, आपने देखा होगा कई बार जब आप लेदर बैग्स या वॉलेट्स वगैरह परचेज करते हो तो उसमें आपको एक छोटी सी जो है एक पैकेट मिलता है और उस पैकेट पे लिखा रहता है डू नॉट कंज्यूम। ये जो पैकेट होता है ये होता है सिलिका जेल का, और इसका काम क्या होता है, वहाँ पे मॉइस्चर को एड्सॉर्ब करना। तो इसी तरीके से एड्सॉर्प्शन का एक और एग्जांपल है कि जो सिलिका जेल है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब कर लेती है। तो जब भी आप एयर में सिलिका जेल रखोगे तो वो एयर को कैसा कर देती है, ड्राई कर देती है। तो ये एड्सॉर्प्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। अब देखिए, एक तो होता है एड्सॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन, जिसको हम बहुत बार सुनते हैं एब्जॉर्प्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, एड्सॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है, मतलब कि एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, पार्टिकल जो है वो केवल सरफेस पे ही चिपकेंगे, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फिनोमेना है। बल्क फिनोमेना का मतलब जो पार्टिकल्स है वो उस मटेरियल के अंदर तक पहुंच जाएंगे। सो एब्जॉर्प्शन क्या है, द सबस्ट्रेट पेनिट्रेट्स थ्रू द सरफेस एंड गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क। बट इन द केस ऑफ एड्सॉर्प्शन द एड्सॉर्बेट इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। ओके, सो इस डायग्राम से आप क्लियरली समझ सकते हो एड्सॉर्प्शन को और एब्जॉर्प्शन को। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कैल्शियम क्लोराइड के अंदर तक जो वाटर है वो पेनिट्रेट करके जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट जो सिलिका जेल जिसकी अभी हमने बात की थी, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को केवल एड्सॉर्ब करता है। ओके, सो ये डिफरेंस हुआ एड्सॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी सरफेस के ऊपर भी मॉलिक्यूल्स जो है वो अक्यूमुलेट हो जाए और उस सरफेस के अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स है वो पेनिट्रेट करके पहुंच जाए, यानी एड्सॉर्प्शन भी हो जाए और एब्जॉर्प्शन भी हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है, आपको क्या लगता है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है,
और उसके लिए एक टर्म हम देते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉर्प्शन. सो व्हाट इज सॉर्प्शन? द प्रोसेस इन विच बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड सॉर्प्शन. ओके, सो सॉर्प्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जो डाइज है वो फाइबर के ऊपर सॉर्प्शन शो करती है. जैसे अपन एक डे टू डे लाइफ में बोलें, सपोज आपके पास इंक है, ओके, किसी भी कलर की इंक आपके पास है और उसमें आप जो है वो कॉटन को डिप जब करते हैं, कॉटन, तो अगर आपने बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए कॉटन को डिप करके और बाहर निकाल लिया है तो आपको दिखाई देगा कि वो जो इंक है वो कॉटन के सरफेस के ऊपर चिपक गई है, यानी उसमें जो है वो मेनली क्या हुआ है, एड्सॉर्प्शन हुआ है. लेकिन अगर आप उस कॉटन को ज़्यादा टाइम तक डिप करके रखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इंक है वो सरफेस पे भी है और उस कॉटन के अंदर भी पेनिट्रेट करके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है. यानी इस केस में एड्सॉर्प्शन हो रहा था लेकिन जब आपने उसको थोड़ा टाइम दिया तो आपको सॉर्प्शन की प्रोसेस भी जो है शो हुई. अब सवाल उठता है कि एड्सॉर्प्शन का रिवर्स क्या होगा? तो देखिए, एड्सॉर्प्शन के रिवर्स प्रोसेस को हम बोलते हैं डीसॉर्प्शन. ओके, सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है. सॉर्प्शन का रिवर्स डीसॉर्प्शन नहीं है, एड्सॉर्प्शन का रिवर्स डीसॉर्प्शन है. ओके, सो द रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड डीसॉर्प्शन. यानी जिस सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आके एक्यूमुलेट हुए थे, अगर वो मॉलिक्यूल्स वापस सरफेस से हटना शुरू हो जाएं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीसॉर्प्शन. और डीसॉर्प्शन किन किन कंडीशंस में हो सकता है इसको हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे. प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है. ओके, अब देखिए, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था. कल की क्लास में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या है कि एड्सॉर्प्शन केवल सरफेस पे ही होता है. ऐसे कौन से अट्रैक्शन फोर्सेस हैं जो सरफेस पे वर्क करते हैं एड्सॉर्प्शन को प्रोसीड करने के लिए. ओके, और एड्सॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच, डेल्टा जी और डेल्टा एस, ये सभी टर्म्स को हम कल की क्लास में क्लियर करेंगे. इसके साथ में हम एड्सॉर्प्शन के दो टाइप्स भी पढ़ेंगे. एक तो होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जिसको हम फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, और एक होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन, जिसको हम केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं. ओके, सो आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू.